आपका कॉम्प्लेक्स हमने देखा, बड़ा शानदार कॉम्प्लेक्स है सर आपका जी। अच्छा है, कैसा धंधा चलता है इसमें आपका? बहुत फर्स्ट क्लास। यहाँ पर होलसेल का भाई पूरा मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर होलसेल में ही लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। आप भी यहाँ पर अपनी एक छोटी बड़ी दुकान लेकर जी। दीनानाथ सोनकर जी, ये ओनर है हमारे यहाँ का, इन्हीं से हम लोग दुकान पर से। कैसा स्वभाव लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई है, दिल्ली के अगल बगल की एरिया की प्रॉपर्टीज थी। दिल्ली में हम आपको बहुत ही कम प्रॉपर्टी हमेशा से दिखा पाए, लेकिन दोस्तों आज हम जिस प्रॉपर्टी की कंपनी में आए हुए हैं, इसका नाम है दोस्तों जमुना प्रॉपर्टीज। जो पता है आपको कहाँ काम करती है? जो काम करती है दिल्ली के दिल में, यानी कि जिसके जो भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं या फिर ख़त्म होते हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट होते हैं चांदनी चौक पे, जो पूरी दिल्ली का दोस्तों केंद्र बिंदु है। और इनके पास पता है आपको क्या क्या मिलता है? इनके पास आपको पुरानी हवेली तक मिल जाएगी जो राजा महाराजा के ज़माने की होती है। बाकी जानकारी सर से हम एक बार आपके सामने लेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? नाम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए, बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं। हमारी कंपनी है वॉल सिटी चांदनी चौक, दिल्ली का जो दिल है जी, चांदनी चौक हार्ट सिटी जिसको बोलते हैं। ओके। और हम अपने हेरिटेज, हमारी बिल्डिंगे हैं और कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल दुकानें हैं हर तरीके से, ओनली फॉर दिल्ली में चांदनी चौक, मालीवाड़ा, नई सड़क, दरीबाग, किनारी बाजार। हम इस वॉल सिटी पुरानी दिल्ली के अंदर हम हर तरीके की सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो हम लेन देन करते हैं, बेचना खरीदना हर तरीके से। कमर्शियल दुकानें हैं और हॉल है। लेकिन एक बात वो तो बताइए, जैसे दिल्ली में आप ज्यादातर दोस्तों, आपको भी बताया, दिल्ली में आपको रजिस्ट्री नहीं मिल पाती है जी, तो आपको जीपी मिल पाता है जी। हमारे पास क्या होता है, रजिस्ट्री होती है कि जीपी? हमारे पास पक्की रजिस्ट्री होती है और मोटेशन के साथ होती है। अच्छा, और तो एमसीडी से अप्रूवल बिल्डिंग होती है, जिसको हम परमिशन लेके हम बिल्डिंग बनाते हैं। तीनों चीज़ें हम आपको देंगे हर तरीके, पक्की रजिस्ट्री देंगे, मोटेशन देंगे और एमसीडी से अप्रूवल का लेटर भी देंगे। अच्छा जी। और कहेंगे तो हम आपको लाइसेंस भी करा के देंगे। अभी हम जाएंगे इनका प्रेजेंट में, जो भी प्रोजेक्ट है, जहाँ पर कितनी दुकानें अवेलेबल हैं, कितने ऑफिस अवेलेबल हैं, कितने हॉल अवेलेबल हैं, प्लस उनका कीमत लगभग क्या है, वो सारी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले सर मुझे थोड़ा ये बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं हमारा जो कार्य क्षेत्र है जी, तो हम कहाँ कहाँ पर काम करते हैं? हम सर जो हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ चांदनी चौक पुरानी दिल्ली, दिल्ली छे। Okay. हम सिर्फ इसी पुरानी दिल्ली के अंदर काम करते हैं और हर तरीके की प्रॉपर्टी जो है बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। ये मैं पूछने वाला, जैसे किसी की पुरानी बिल्डिंग है जी, जी जी जी, और कोई आपसे कहता है जी मेरी पूरी पुरानी बिल्डिंग को पूरी रिनोवेट कर दीजिए, तो आप करके उसको दे देंगे? बिल्कुल, उसकी परमिशन एमसीडी से परमिशन पास करवा के उसको अंडर एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट के जो प्रावधान है एमसीडी का, उसके अकॉर्डिंग उसकी परमिशन लेके उसका रीडेवलपमेंट करते हैं। बाहर का स्ट्रक्चर वैसा रहता है, अंदर हम उसको चेंज करते हैं, जो बाइलो जो कानून कहता है। और तो और मजे की बात आपको बताऊं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी कल्चर, पुरानी धरोहर से बहुत प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, जैसे हेरिटेज बिल्डिंग, जैसे आज के 500 700 साल पहले, 300 साल पहले राजा महाराजा यहाँ पे लाल किले पे राजशाही हुआ करती थी, यहाँ पे लोग बैठते थे, सम्राट वो पूरे देश में राज करते थे। उन जमानों की 500-700 साल पुरानी हवेली हेरिटेज बिल्डिंगें भी मेरे पास हैं। अगर कोई किसी को इस तरह कोई बिल्डिंग चाहिए, वो हेरिटेज बनाना चाहता है, अपने सपनों को सुधारना चाहता है या अपनी प्राचीन धरोहर से रूबरू होना चाहता है, मिलना चाहता है, तो मेरे पास इस तरीके की भी प्रॉपर्टियां हैं। मैं उनको पुरानी 300 साल 500 साल पुरानी भी मेरे पास हैं सेल में, परचेज में। यदि कोई भाई लेना चाहता है तो ले भी सकता है, यदि कोई भाई बेचना चाहता है तो बेच भी सकता है। क्या बात है। मैं पीछे 15-20 साल से मैं यहाँ पे चांदनी चौक दरीबे के अंदर मैं ये काम करता हूँ, तो किसी को भी इस तरीके कोई रिक्वायरमेंट हो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, वो अपना बेचे या खरीदे या हमसे बनवाना चाहे, तो एक बार जरूर मौका दे, बहुत रीजनेबल रेट पे ये जो काम ये करते हैं। अभी हम जाएंगे आपका प्रोजेक्ट अभी देखेंगे, जो भी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था ऑफ कैमरा जी। उससे पहले बताइए, जो नंबर हमने नीचे स्क्रीन पर दिया, ये आप ही के नंबर है कि स्टाफ के नंबर है सर? सर ये हमारे स्टाफ के नंबर है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीनानाथ सोनकर है। दीनानाथ सोनकर साहब, चलिए दोस्तों अब एक बार चलते हैं प्रोजेक्ट पे। बाकी ये पूरी सर की टीम है, आपको एक बेहतरीन टीम से दोस्तों आज मुलाकात करवा रहा हूँ। आप अगर लेना चाहते हैं चांदनी चौक के आसपास A1 क्वालिटी की प्रॉपर्टी, तो दोस्तों यहाँ आके इनसे बात कर सकते हैं। और चांदनी चौक मतलब है दिल्ली का दिल, और चांदनी चौक के बिल्कुल सेंटर में दोस्तों बैठे हुए, बाहर निकलते लाल किला है। बिल्कुल लाल किला है, गौरी शंकर मंदिर है, चांदनी चौक दरीबा कला है, देख रहे हैं इतनी शानदार जगह है। एक बात और बताइए जी,
एक बात और बताइए, जैसे सर आपको पता है यहाँ महंगाई का जमाना है, तो हर किसी की औकात तो होती नहीं है कि वो अपनी निजी दुकान खरीद सके या बिल्डिंग खरीद सके। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं किराए पर लेके आसपास बढ़िया लोकेशन पर कोई दुकान मिल जाए, तो किराए पे आप चीजें उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किराए पे जरूर दिलवाता हूँ किसी भाई को। अगर मान लीजिए अगर वो दुकान नहीं ले सकता है और 4-6 महीने ट्राई करना चाहता है, तो मैं उसको दुकान किराए पे भी रेंट पे दे दूंगा। 4-6 महीने पहले अपना खोल ले, बैठे देखे हब के अंदर, मार्केट के अंदर, अगर उसका डेवलपमेंट होगा आगे होगा तो ले, हम किराए पे भी अवेलेबल कराते हैं। हाँ, ये दुकान है, कमर्शियल दुकान है, आपको खरीद के बिल्कुल फंसना नहीं पड़ेगा उसमें। जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, पहले 4-8 महीने किराए पे चला लो जी, आपका धंधा तब सेट हो जाए आपका बिजनेस, उसके बाद आराम से भाई आगे कागज पत्र करवा लो, अपनी रजिस्ट्री करवा कर पेमेंट करवा लो। चलो सर, एक बार प्लीज जरा प्रोजेक्ट बता दीजिए। चलिए दोस्तों, ये अभी हम जिस रोड पे खड़े हुए हैं, ये चांदनी चौक का, आप इसको काफी हद तक ये मुख्य मार्केट की तरह है सर। कौन सा रोड है अभी? दरीबा कला चांदनी चौक, दरीबा कला नियर श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स। अच्छा श्रीराम, ये फेमस ज्वेलर्स हैं यहां के? फेमस ज्वेलर्स है, बहुत पुराने हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत पुराने हैं श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स। कॉम्प्लेक्स दोस्तों इसके अंदर भी बनके तैयार हो रही है, चलिए आपको वो भी जाके दिखा देते हैं। बाकी सर जैसे इधर की बात करें, रोड कहाँ के लिए गया हुआ है? ये मेन चांदनी चौक को रास्ता निकलता है पूरे सिंधिया से, आप लाल किले चले जाएंगे, लाल किले चले मेन चांदनी चौक हो गया। ठीक है जी, इधर की बात करें सर कहाँ? इधर से जामा मस्जिद निकलता है, जामा मस्जिद जो है। ये सारे ज्वेलर्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे चांदनी चौक के दोस्तों ज्वेलर्स हैं, यहाँ भी ज्वेलर्स हैं, पीछे भी ज्वेलर्स हैं। चलिए अब एक बार देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स कैसा है। आइए जी, आइए मैं दिखाता हूँ। ये अमर मार्केट है, इसी के साथ में ही मेरा जो कॉम्प्लेक्स है श्री राम मार्केट, अभी मैंने लेटेस्ट उसको बनाया, 2 साल पहले बनाया। अच्छा जी, अच्छा। और बहुत बढ़िया मार्केट है, ये भी चांदनी चौक की आर्टिफिशियल में की हब है, मेन मार्केट है ये, जिसको हम बोलते हैं अमर मार्केट। क्या बात, और ये श्री राम हरिराम के जस्ट सामने है। अच्छा जी, और यहाँ पे हर तरीके के जो है ज्वेलरी है आर्टिफिशियल में, जो हर तरीके की चांदनी चौक की ये जो ज्वेलरी की वीडियोज होती है काफी देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, होलसेल रेट में, और यहाँ से देश विदेश तक माल जाता है और आता है, ये सब सारी होलसेल मार्केट है यहाँ पे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर एक छोटी से छोटी दुकान का किराया मैं क्या मान के चलूँ? छोटी से छोटी दुकान का किराया, जैसे अभी ये दुकान है, अभी ये लेटेस्ट नई दुकान बनी है, तो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में रेंट पे आपको मिल जाएगी। ओके जी, ये वाली दुकान? हाँ, ये 7x12 की दुकान है। क्या बात है, ऊपर जीना फिर कहाँ के लिए? हाँ, जीना भी है, इसके ऊपर जो है हाफ बना हुआ, 2 छत्ती बोलते हैं, इसके अंदर स्टोरेज रख सकते हैं हम सामान, रख सकते हैं इस तरीके से। आज जी इस तरीके से और भी दुकानें हैं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है अभी जो लेटेस्ट, पहले जो अभी श्री राम मार्केट, श्री राम मार्केट जो सरकार नाम भी लिखा हुआ है, श्रीराम मार्केट दीनानाथ सोनकर साहब, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार करते हैं स्पेशली चांदनी चौक के अंदर, जहां आपको कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज मिल जाती हैं और आपको गोदाम अपने मिल जाते हैं। ये यहां भी है हमारा जो है, अभी हमने ये लेटेस्ट मार्केट हमने 2 साल पहले बनाई है। क्या साइज है सारी आर्टिफिशियल दुकान का? साइज नॉर्मल साइज है सारी, कुछ सारी पूरी बिल्डिंग ही अपनी है, पूरी बिल्डिंग है, 500 गज में हमने ये बिल्डिंग बनाई है। क्या बात है जो है। आइए, और दुकानों का साइज ये जो 7x10 है, 7x12 है। ओके, जैसे ये दुकान है 12x12 की दुकान है, 12x12 की दुकान, ये मार्केट है, ये टोटल मार्केट है सारी, ये जो लेके सारी खुली हुई है इस तरीके से। क्या बात जो है, बहुत बढ़िया जी। ये दुकानें कितनी मंजिल का है सर ऊपर तक? ये 4 मंजिल ग्राउंड प्लस 3। ओके, तो रेट तो अलग अलग होता हुआ? बिल्कुल जी, बिल्कुल रेट अलग अलग होता है हर तरीके से, ग्राउंड फ्लोर की दुकान। मान के चलिए कि कोई भी दुकान है या कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी बिल्डिंग है, उसका अगर रेंटल इनकम आपको 0.5% अगर मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो प्रॉपर्टी ठीक है और जेन्युइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इतना तो मिलता है। और जितने भी देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, बाहर जो बने हैं, जो लोग बने हैं, सब दिल्ली के ही मूल निवासी हैं, चाहे वो पीपी ज्वेलर्स वाले हों, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति हों, ये लोग पुरानी दिल्ली में ही पहले थे। पहले पुरानी दिल्ली 7 गेटों के अंदर ही बसी हुई थी। okay. बाद में फिर नई दिल्ली बनी, कुछ और दिल्ली बनी, साउथ दिल्ली बनी, तो मेन ये गढ़ है। और यहाँ पे आज भी जो है पूरे ज्वेलरी के होलसेल रियल में भी ज्वेलरी के भी काम होते हैं, जैसे श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स मैंने बताया आपको। okay, okay. उनका विदेशों तक माल जाता है, बंगाली हैं, कारीगर हैं चारों तरफ। और फिलहाल अभी जो लेटेस्ट जो न्यू जो फंक्शन चला है वो आर्टिफिशियल से संबंधित चला है, तो आर्टिफिशियल की ज्वेलरी का ये पूरा हब मार्केट है, एक तरीके से होलसेल मार्केट है। हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारे सेठ जी जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा जी, ये मतलब बड़े जायज, आपने देखा हो इतने कम रेटों में। पूछने वाला था, अभी मैं आपके ऑफिस में बैठा था, उस पर कुछ रामलीला टाइप का कुछ बोर्ड लगा हुआ था, आपका फोटो भी था उसमें माला पहन के, तो क्या मतलब किस तरह का सोशल काम करते हैं? रामलीला का है, और दूसरा इनके पास कोई भी गरीब आदमी रात को आ जाए, ये अपना सारा काम छोड़ करके
और उसके हेल्प करते हैं, हर प्रकार से हेल्प करते हैं बेटा मेरे साथ। और यही वजह है कि मतलब जो है इनके क्या नाम है लेने के लिए सब उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इनके व्यवहार बहुत बढ़िया है, हर चीज़ क्या नाम है आपको फैसिलिटी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। क्या बात तो है जी, थोड़ा के बताना था। नहीं बहुत बढ़िया, मैं भी पूछने वाला था जी, बताइए। मैं लवकुश रामलीला कमेटी में एक छोटा सा सेवक हूँ, और हमारे वर्ल्ड की सबसे फेमस रामलीला है और जो हमारे लाल किले पे होती है, उसमें हमारी लवकुश रामलीला जो हमारे अर्जुन कुमार जी हैं, हम भगवान राम की सेवा करते हैं, भगवान राम का लीला का प्रसार प्रसार करते हैं, थोड़े से हम उनकी सेवा करते हैं ताकि हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। लास्ट में प्रभु भगवान राम का इतना बड़ा नाम है तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे 9 दिन हम सेवा करते हैं जो लवकुश रामलीला कमेटी में। सब कुछ हम छोड़ देते हैं, कारोबार बिजनेस बंद कर देते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, 9 दिन के लिए सब छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। जो हमारे यहाँ लवकुश लाल किले पे होता है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े चाहे हमारे मोदी जी हों, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े स्टार, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और हमारी जो लवकुश रामलीला है वर्ल्ड की सबसे बड़ी रामलीला है, पूरे वर्ल्ड में ये इसका जी, प्रसार जी, प्रसार होता है और लोग जुड़े हुए हैं लवकुश रामलीला। दोस्तों यहाँ आप के एक डीलर समझ के इनसे बात ना करें, ये बहुत अच्छे भले आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, आप आकर भी इनके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। और रामलीला के बारे में उन्होंने बताया वो तो आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो हर न्यूज चैनल पर चलती है सर वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पास दूंगा और वेलकम करूंगा, आप भगवान राम की आएं और लीला देखें, और बच्चों में आने वाले पीढ़ी में अच्छे संस्कार जाएं, और भगवान ने जो हमें मर्यादा सिखाई वो कहीं ना कहीं आज के डेट में हमारी जो कल्चर दिन पे दिन खत्म होती जा रही है, तो हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो आए रामलीला देखें तो उससे हमें संस्कार मिलेगा कि भगवान ने हमें कैसे, भाई का क्या रोल होता है, पत्नी का क्या रोल होता है, तो पिता का क्या रोल होता है, तो ये हमारी संस्कृति उसको बचाने का प्रयास रहेगा, बच्चे देखेंगे तो उन सीखेंगे, वैसे सीखेंगे। अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं? मैडम इतनी देर हो गई आप बिल्कुल भी नहीं बोली हैं, सर ने बताया आप उनकी टीम की एक खास मेंबर हैं जी, तो किस तरह से मतलब आपका रोल इसमें रहता है? जैसे सर यहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं तो मैं यहाँ पे उपस्थित रहती हूँ, सारा काम मैं ही देखती हूँ। अच्छा आप ही मैनेज करती हैं उसके बाद में, और सर बहुत अच्छे हैं, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो आप आके मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्टाफ हैं तो स्टाफ के साथ ही मतलब फैमिली के साथ फैमिली जैसे रहते हैं यहाँ पे। जी 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 बहुत अच्छे हैं सर। दोस्तों बाकी जानकारी आप लेंगे दिए गए नंबर, सर एक बार एड्रेस यहाँ का बता दो, कोई आना चाहता है विजिट करने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? हमारा एड्रेस है जी 187/36 चांदनी चौक दरीबा कलान कटरा मसरू के अंदर भी आप आएंगे किसी, वहाँ पे मेरी हेड ऑफिस है यमुना प्रॉपर्टी। अच्छा बाकी वहाँ से सारे डिटेल आपको मिल जाएगी, बाकी नंबर दे रखा है ना तो एक व्हाट्सएप पे हाई भेज दो, ये आपको अपना करंट लोकेशन भेज देंगे, सीधा चले आना आप यहीं पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम वाकई में बड़ी सशक्त टीम है सर, मुझे लग रहा है बहुत सारा काम आप लोग सब मिलकर करते होंगे लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी इसी तरह देखते रहो आप, अगर इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को, मैडम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते बोलो ना इनसे एक बार जरा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और तभी तो आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तभी तो अच्छी चीज आपको डील मिलेंगी। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए, सिर्फ लाल बटन दबाने पर आपको 2 लाख रुपए तक का फायदा करवा सकता हूँ, ऐसा NCR का पहला यूट्यूबर हूँ मैं, जल्दी से दबा दो लाल बटन।